तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो दोस्तों, शिमला की ये जो सीरीज चल रही है उसमें मैं आपको आज ले जा रहा हूँ नालदेहरा। दोस्तों, शिमला से जो नालदेहरा की दूरी है वो है दोस्तों 23 किलोमीटर। और आप रास्ता जो देख रहे हैं बहुत ही सुहाने रास्तों से निकलकर और देवदार के पहाड़ों से निकलकर इस खूबसूरत रास्ते के नज़ारे लेते हुए हम पहुँचेंगे अभी नालदेहरा। दोस्तों, अगर नालदेहरा की मैं बताऊँ आपको खासियत, तो वहाँ पे है गोल्फ कोर्स बहुत ही अच्छा, जहाँ पे शूटिंग हुई है काफ़ी सारी फिल्मों की। मैं एक एक करके आपको वीडियो में दिखाऊंगा और ताकि आपको पता चले कि कौन कौन सी फिल्म वहाँ शूटिंग हुई है। और गोल्फ को वहाँ पे एक मंदिर भी है और 6 किलोमीटर का ट्रैक है। दोस्तों, अगर आप कुफरी जा रहे हैं या शिमला में आसपास घूम रहे हैं तो वहाँ बहुत भीड़ देखी होगी आपने, बट अगर शिमला में आकर अगर आप शांति और पीस की तलाश में निकले हैं, शांति के लिए एक दो दिन व्यतीत करना चाहते हैं, तो आपको नालदेहरा जाना चाहिए। दोस्तों, वहाँ पे आप होटल भी बुक कर सकते हैं, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। वहाँ पे कॉटेज भी हैं और बहुत ही खूबसूरती वाली जगह है वो, शिमला से मात्र 23 किलोमीटर की दूरी पे। इतना ही डिस्टेंस कुफरी का भी है, पर कुफरी में आपको भीड़ भाड़ बहुत मिलेगी। तो बने रहिए वीडियो में, देखिए किस तरह से मैं आपको दिखाने वाला हूँ पूरी वीडियो में और फुल इन्फॉर्मेशन दूंगा, तो बने रहिए दोस्तों। तो हम पहुंच चुके हैं नालदेहरा, और ये नालदेहरा है, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये जो घोड़े हैं दोस्तों, ये आपको क्या है, घोड़ा बुक करना पड़ेगा। भैया से अभी हमने बात की है, तो कौन कौन से वो पॉइंट घुमाएंगे और कितने पैसे, मैं अभी आपको दोबारा से जानकारी ले लेता हूँ, बताता हूँ। बहुत ही खूबसूरत है दोस्तों, पीसफुल है यहाँ पे नालदेहरा, जरूर आए जब भी शिमला। और क्या क्या है, कितने माउंट टेम्पल आएगा, गोल्फ कोर्स आएगा, अच्छा नदी का व्यू है, पिकनिक स्पॉट है, ये सारे आप घुमाएंगे। हाँ, और 500 चार्जेस है ना। हाँ जी, ठीक है, घोड़ा इसमें जाएगा पूरे में। हाँ जी, पूरे में। चलो ठीक है दोस्तों, अभी 500 रुपये में ये सारी जगह जितने भी ऊपर नालदेहरा में है, काफी सारे जगह हैं। और टेंपल भी 6 किलोमीटर की होती है पूरी, और घोड़े से ही कराते हैं, 500 रुपये पर पर्सन। बहुत पीसफुल है, कोई कुफरी की तरह भीड़ भाड़ नहीं, बहुत शांति के लिए यहाँ लोग आते हैं, बहुत अच्छी जगह है। चलिए ऊपर चल के पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, नालदेहरा जरूर आइए शिमला आ रहे हैं तो, ये मिस मत करना दोस्तों। ये देखिए घोड़े हैं, घोड़े से ही लेके जाएंगे और रास्ता भी बहुत बढ़िया है। 1500 पर्ची दिखा देंगे ना। अच्छा, ये पर्ची है, ये रखने साथ में, आ जाओ अपने पास। चलो चलते हैं, घोड़े पे बैठते हैं और ये भैया ले जाएंगे हमें। एकदम रास्ता बढ़िया, ट्रैकिंग व्रैकिंग तो नहीं है ना, रास्ता बढ़िया भैया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बैठो बैठो, चलो अब घोड़े पे बैठो, पूरे नालदेहरा घूमेंगे। दोस्तों, हम बैठ गए घोड़े पे, अब पूरे नालदेहरा घुमाएंगे। भैया घोड़े पे बैठ चुके हैं हम, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंजॉय, और कुफरी से काफ़ी बेटर लग रहा है मुझे, अभी ऊपर चढ़ते रहते हैं। यहाँ पे थोड़ा ऊंचाई है, नज़ारा बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे 10 रुपये पर पर्सन गवर्नमेंट टैक्स लगता है, जैसे कुफरी में भी था, यहाँ पे भी लगा। कुफरी में ज़्यादा करते हैं, यहाँ तो एक ही बार लगता है। ये हो वो है क्या, लॉज है क्या भैया? अच्छा, कॉटेज है। अरे वाह, तो ये ऑनलाइन ही बुक होते हैं कि यहाँ से बुक कर सकते हैं? ऑनलाइन भी होता है, यहाँ से भी होती है। अरे वाह, जगह बहुत बड़ी, शांत है यहाँ पे, बहुत अच्छा लग रहा है। दोस्तों, यहाँ के रास्ते देखो कितने बढ़िया, साफ सफाई है। यहाँ पे गोल्फ कोर्स है, गोल्फ खेलने आते थे, काफ़ी सफाई है। कुफरी में थोड़ा इतनी साफ सफाई नहीं मिलेगी, थोड़ा खतरनाक रास्ता है, बट ये उससे काफ़ी बेटर है। तो नालदेहरा इज द बेस्ट चॉइस व्हेन यू कम इन शिमला।
ये कैंपिंग एरिया है, ये कॉटेज अभी खाली है। तो अभी ये ऑफ सीजन है क्या इनका? हम लोग कम आ रहे हैं। अच्छा अच्छा हाँ, इस टाइम तो वहाँ ये ओपन है इसलिए। अच्छा ये नीचे कैंपिंग का है, पिकनिक का। वाह ये देखो वो सामने बने हुए हैं। एक कॉटेज की कॉस्ट कितनी होती होगी भैया? एक एक उसकी। अच्छा अच्छा कॉटेज का। अच्छा ये तो दोस्तों आ गए हम उस जगह पे जहाँ पर होती थी फिल्म की शूटिंग। एक्चुअली पुराने टाइम में 90s 80s में क्या करते थे, यहाँ पे शूटिंग कर देते थे नालदेहरा में, और उसको शिमला मनाली मेन सिटी में ना करके यहाँ पे करते ताकि उसे कश्मीर दिखाया जाए, और ये देवदार के पेड़ हैं इन्हें कश्मीर दिखा दिया जाता था। जैसे कि आपने सॉन्ग सुना हुआ चप्पा चप्पा चारी का, चले माचिस मूवी यहाँ पे शूटिंग हुई है, और आपका गाना शूटिंग हुआ है जो कि दिव्य भारती और शाहरुख खान का था। प्लस मिथुन ने यहाँ पे एक पेड़ में दिल बनाया, सामने देख रहे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। तो काफ़ी सारे सुपरस्टार यहाँ पे आ चुके हैं और मैं दिखाता हूँ। ये देखिए ये मिथुन ने बनाया था दिल अपने हाथों से, आज भी यहाँ पे लोगों को दिखाया जाता है ये। कौन सी माचिस? अच्छा यहाँ पे। हाँ 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 अच्छा ये चप्पा चप्पा चारी का चले जो गाना है, अच्छा इसी को कश्मीर दिखा देते हैं। हाँ ये पेड़ वेड़ दिखा के। अच्छा वो गाना तो बड़ा फेमस है चप्पा चप्पा चारी का चले, सही है। अच्छा पहले ये फिल्म की शूटिंग इसे शिमला बना देते थे, मतलब वो कश्मीर। क्या नाम है मंदिर का? मंदिर का क्या नाम है सबसे? अच्छा काली माता मंदिर। अच्छा माँ काली शिमला की सबसे ऊंची पहाड़ी है। अच्छा ट्रैकिंग करके जाते ना। पुरानी मूवियों में क्या करते थे, नालदेहरा में आके यहीं पे कश्मीर बना दिया करते थे। बर्फ वर्फ पड़ती है तो ये स्विट्जरलैंड की तरह लगता है। और यहाँ पे दीवाना मूवी की शूटिंग हुई है मेरे पीछे गोल्फ कोर्स में। तो अब दिखाता हूँ आपको गोल्फ कोर्स, दिखाता हूँ पूरा। अंदर जाना अलाउ नहीं है, बाकी मंदिर में दर्शन करते हैं और दूर से दिखाता हूँ आपको गोल्फ कोर्स। तो ये जो है पूरा ये गोल्फ कोर्स है, बाकी आगे मंदिर में चलते, चलो इधर से चलो। ये मंदिर है नाग देवता का। देखिए दोस्तों कितना यहाँ पे सबसे अच्छी जगह है नालदेहरा आने की, यहाँ पे पीस बहुत शांति है। देखिए ये पूरा नालदेहरा है और ये है मंदिर, अभी चलते हैं दोस्तों नाग देवता का मंदिर। एक्चुअली दोस्तों दर्शन जो बाहर से होते हैं ये साल में एक ही बार ओपन होता है नाग देवता का मंदिर, अभी हमें बताया, और काफ़ी सुंदर मंदिर है। जय नाग देवता भगवान जय हो। तो दोस्तों ये है गोल्फ कोर्स नालदेहरा की खूबसूरती।
इसे ओपन किया जाता है जब गोल्फ खेलते हैं। तो ये है वो जगह, यहाँ हुई थी दोस्तों शूटिंग, तेरा नाम रख दिया इस वाली जगह पे। यहाँ पे दीपा भारती खड़ी होती है और शाहरुख खान पीछे से आते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी मूवी की शूटिंग हुई है, काफ़ी सुंदर जगह, पीसफुल है, बहुत शांति मिलती है। देखो इतनी भीड़ भाड़ नहीं, शिमला शहर से हटके काफ़ी अच्छी जगह है ये। तो दोस्तों पीछे आप देख रहे हैं नागदेवता मंदिर और पूरा ये गोल्फ कोर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, पीछे तक पूरा दिखाया। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा अगर शिमला आ रहे हैं ना तो नाल देरा एक बार जरूर आओ। और दोस्तों जैसे आप कुफरी घूम के आते हो, भीड़ भाड़ होता है यहाँ पे आएंगे ना तो ऐसा लगेगा कि नेचुरल ब्यूटी किसे कहते हैं, और शांति इतनी है ना यार, बहुत अच्छा लगता है। और जब यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है तो किसी स्विट्ज़रलैंड से कम नहीं है। अभी और चलते हैं, घोड़े पे बैठते हैं, पूरा घूमते हैं जिसे जो रह गया है और चलते हैं। दोस्तों एक इन्फॉर्मेशन और थी, यहाँ पे इसी नालदेहरा पहाड़ों में जहाँ घूम रहे हैं यहाँ पे कॉटेजेस भी है जो मैंने दिखाए थे, वो आप बुक कर सकते हैं सीज़न आउट सीज़न कभी भी। और जब वो बुक हो जाते हैं तो यहाँ पे आउटिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ है वो भी कर सकते हैं, जैसे जिप लाइन दिखाया था मैंने। और स्टार्टिंग जो है नॉन सीज़न में 2500 का मिल जाता है, सीज़न में 3500 से यहीं पर सब होता है। हिमाचल टूरिज़म का ही है ये कॉटेज, और तो जैसा भी अगर आपको लगे तो यहाँ पर भी रुक सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अभी हम ट्रैकिंग कर रहे हैं घोड़े से और अब पहुंचेंगे सबसे टॉप पॉइंट पे नालदेहरा के, सबसे टॉप मतलब पहाड़ कहेंगे या फिर टॉप टॉप पॉइंट। वहां पे जा रहे हैं हम, वो जगह है काली माता का मंदिर नालदेहरा के सबसे टॉप पॉइंट पे। ये आ चुके हैं हम सबसे, ये टॉप पॉइंट का है नालदेहरा का सबसे ऊंचा पॉइंट, 7,500 फीट ऊपर है ना भैया नीचे जमीन से समुद्र तल से। ये देखिए काफी ऊंचाई पे हैं, पीछे काली माता का मंदिर मैंने दिखाया पूरा। चलो चलो हाँ, अच्छा ये लवर्स पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, चलो चलो पेप्सी लेने। ये सामने जो रास्ता है लवर्स पॉइंट की तरफ है, काफी एडवेंचर भरा रास्ता है, काफी ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये है नालदेहरा की खूबसूरती। हाँ हाँ अच्छा, हमेशा बर्फ रहता है 12 महीने। रोड देख रहे ना, यहाँ से इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर। ओके सिविल वाले को अलाउड ही नहीं करते उसमें। अच्छा 1962 में निकाला गया है जब इंडिया चाइना के बीच। ओके अच्छा, ये व्हाइट वाला सारा इंडिया चाइना बॉर्डर। हाँ बर्फ है। ओके अब लवर्स पॉइंट की तरफ चल रहे हैं। चल चल सीधी लेन, शिमला माल रोड है पीछे जो फ्लैट है। अच्छा अच्छा देख रहे ना, चलो हाँ अच्छा दोस्तों पूरा नालदेहरा का पहाड़ 6 किलोमीटर का जो ट्रैक था वो हमने घूमा पूरा ट्रैकिंग की घोड़े से, और इंडिया चाइना बॉर्डर भी दिखाया भैया ने हमें। मैंने तुम्हें वीडियो में कवर किया, थोड़ा सा कम कवर हुआ बट काफ़ी अच्छा लगा। और ऐसे ऐसे बसेस भी आती हैं यहाँ पे, अब सीधा हम जहाँ से घोड़े पे बैठे थे घोड़ा हमें वहाँ तक छोड़ देगा और फिर हम निकलेंगे बैक टू शिमला। तो नालदेहरा की ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, शेयर करना वीडियो को, और डिस्क्रिप्शन में मैं हाँ इन्फॉर्मेशन भी डालूँ, कुछ पूछ रहा हूँ कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ, पीसफुल है, बहुत शांति है, अच्छा लगता है शिमला है। अगर आप आएँ तो यहाँ ज़रूर आना, मेरा यही पर्सनल एक ओपिनियन रहेगा, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। ऊपर से देखिए दिखाता हूँ, बैक साइड से ट्रैकिंग करके आ रहे हैं लोग।